हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ब्यूटी सेगमेंट में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ पिलग्रिम की तरफ से रेड वाइन फेस क्रीम विद SPF 30। जी हाँ, कैसा रहने वाला है ये प्रोडक्ट, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या है इसके क्लेम्स, पूरी डिटेल में जानेंगे, इसके टेक्सचर को भी देखेंगे, डेमो भी देखेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। जानना आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है कि ये क्रीम यूज़ करना कितना बेनिफिशियल है आपके स्किन के लिए, क्योंकि अगर आप भी मेरी तरह स्किन केयर पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, स्किन केयर पर अपना ध्यान रखते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स को भी यूज़ करना चाहते हैं, साथ ही साथ आपकी स्किन को कोई हार्म भी ना हो ये भी जानना चाहते हैं, तो आपके लिए प्रोडक्ट रिव्यू देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसका नाम आपने कई बार सुना होगा, स्क्रॉल करते हुए आपको डिफरेंट जगहों पे जरूर से दिखाई दिया होगा, तो आपके मन में भी यह ख्याल जरूर आया होगा कि यार इसको यूज़ करना वर्थ इट है, इसको खरीदना वर्थ इट है। तो चलिए आज बात करते हैं इसी के बारे में। ऑल्सो अगर ये प्रोडक्ट रिव्यू आपको हेल्पफुल लगे या ये वीडियो पसंद आता है, तो जाने से पहले इसका लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, ताकि वो भी इस प्रोडक्ट रिव्यू को देखें और इस प्रोडक्ट का लाभ उठा सकें, जान सकें इसे खरीदना कितना वर्थ इट है या नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रोडक्ट की तरफ। कुछ इस तरीके से इसकी कार्डबोर्ड की पैकेजिंग रिसीव हो जाती है। रेड वाइन है ये, तो यस, वाइन कलर की ही पैकेजिंग भी रखी है। यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिल जाती है काफ़ी अच्छे से, इसकी पैकेजिंग है स्टडी रिसीव हुआ था मुझे, बिल्कुल भी ये डैमेज नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है, इनकी पैकेजिंग काफ़ी सही रहती है। अब मैं प्रोडक्ट क्वांटिटी की बात करूँ तो 50 ग्राम्स की प्रोडक्ट क्वांटिटी रिसीव हो जाती है एट द MRP ऑफ ₹550। शेल्फ लाइफ भी इसकी अच्छी खासी आपको मिल जाती है 24 मंथ की, तो बिल्कुल भी इसमें इश्यूज नहीं आने वाले हैं। 100% वेगन है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, क्रुएल्टी फ्री है, FDA अप्रूव्ड है, एंड 100% सेफ, नो सल्फेट, नो पैराबेंस, प्लास्टिक पॉजिटिव, राइट। एंड इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट अगर मैं दिखाऊं तो दिस इज द इंग्रेडिएंट लिस्ट, इफ एनीवन वांट्स टू रीड यू कैन पॉज एंड रीड इट। ओके फाइन, अब मैं अंदर से इसकी पैकेजिंग दिखा देती हूँ। तो काफ़ी क्यूट सी, छोटी सी, प्यारी सी इसकी डब्बी है, ट्रैवल फ्रेंडली है, प्लास्टिक की है ये डब्बी, ये कुछ इस तरीके से पैकेजिंग रिसीव हुई थी, राइट। ये अलग निकल जाएगा एंड तो ये बिल्कुल इंटैक्ट रहता है, कहीं से भी हिलती नहीं है ये डब्बी। ये कुछ छोटू सी डब्बी है इसकी, काफ़ी अच्छी सी इंटैक्ट है, प्लास्टिक की है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली है, कहीं से भी टूट फूट का चक्कर नहीं है इसका, एंड ये ट्रैवल फ्रेंडली है बिल्कुल से, आप देख सकते हो इतू सी है ये, तो आप अपने आराम से इसको हैंडबैग में आराम से कैरी कर सकते हैं। SPF के साथ में आ जाती है, तो आपको अलग से सनस्क्रीन कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस और अनटिल आप बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर में जा रहे हों। अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से इसमें लिड मिल जाती है, एंड दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट। कितना प्यारा सा लाइट पीचिश कलर है इसका, एंड फ्रेगरेंस ऑसम फ्रेगरेंस, एकदम माइल्ड सूदिंग सी फ्रेगरेंस है, बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस लगती है मुझे पर्सनली, अगर मैं बोलूँ तो इस तरीके की फ्रेगरेंस मुझे बेहद पसंद है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चराइज करती है, काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट कर देती है। डेमो में आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे ये क्रीम बेहद ज़्यादा पसंद है, एंड अगर मैं बोलूँ तो डेली बेसिस पे यूज़ करने के लिए मैंने इसको अपने मॉर्निंग टाइम स्किन केयर में इसको इंक्लूड किया हुआ है। अच्छी लग रही है मुझे आजकल ये क्रीम, ऑलमोस्ट एक वीक से ऊपर हो चुका है मुझे इसको यूज़ करते हुए, काफ़ी सही है। इसके अंदर विटामिन सी और रोज़ हिप ऑयल दोनों चीज़ें डली हुई हैं, विटामिन सी एंड रोज़ हिप ऑयल दोनों ही हमारे स्किन के लिए बेहद ज़रूरी होता है, बेहद अच्छा होता है, कई बार मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आप भी माइल्ड फ्रेगरेंस से आपको बॉदर नहीं करती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इसको बिल्कुल से एक बार ट्राई आउट ज़रूर करना चाहिए, है पसंद आने वाली है आपको, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, लाइट वेटेड है, बिल्कुल भी हैवी सा नहीं लगेगा, चिपचिपा सा नहीं लगेगा, एंड एक फेस क्रीम आपके लिए लगाना तो बेहद ज़रूरी है, आपकी स्किन के अंदर मॉइस्चर को लॉक करके रखने के लिए बहुत ज़रूरी है आजकल के दिनों में, विंटर डेज में तो स्पेशली आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप स्किन पे अपने अच्छे तरीके से भर भर के स्किन केयर के प्रोडक्ट लगाएं, सो दैट आपकी स्किन कहीं से भी ड्राई ना हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा ड्राइनेस होगी स्किन पर उतनी ही जल्दी एजिंग साइंस नज़र आने लग जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है कि आपके एजिंग साइंस जल्दी आने लगते हैं, फाइन लाइंस जल्दी दिखने लगते हैं, रिंकल्स जल्दी आने लग जाते हैं, तो उससे सबसे बचने के लिए यूज़ सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। यस, तो मुझे तो ये ऑन द गो प्रोडक्ट है आजकल मेरे को काफ़ी पसंद आ रहा है, मैंने आपको बताया मैंने मॉर्निंग टाइम स्किन केयर रूटीन में इसको शामिल कर रखा है, आप चाहो तो नाइट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। सो यस, ये था आज का प्रोडक्ट रिव्यू, मुझे जो कि पसंद आया तो मैंने आपके साथ में भी शेयर कर दिया,
आप लोग में से कितने लोग हैं जो इसे ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर मेरे रिकमेंडेशन पर आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करने जा रहे हैं, परचेज करने जा रहे हैं, तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में दूसरे प्रोडक्ट रिव्यू के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।